Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Sakshi Kaushik. So today again we are continuing with the series of social psychology, जिसमें हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है एटीट्यूड्स. सो टिल नाउ वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एटीट्यूड फॉर्मेशन. जो फोर टाइप्स होते हैं एटीट्यूड फॉर्मेशन के, वी हैव कवर्ड दैट. इफ़ यू हैवंट वॉच्ड इट येट तो प्लीज़ उन वीडियोस को जाके पहले देखो अच्छे से. यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द टॉपिक दैट वी लेफ्ट इन द लास्ट वीडियो, दैट वॉज लिंक बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर. सो जस्ट अ स्मॉल रिमाइंडर कि इस वीडियो के साथ आगे बढ़ने से पहले आई होप आप सब ने इसका जो पार्ट वन था जिसमें हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ एटीट्यूड बिहेवियर कंसिस्टेंसी जो है वो डिस्कस किए थे वो आप लोग देख चुके हैं बिफोर स्टार्टिंग विद दिस वन. राइट, सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज वीडियो, दैट इज़ द लिंक बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर. तो ये कंटिन्यूड है. इन दिस वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर. अब ये जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी. तो इसीलिए आप सब ध्यान से अच्छे से सुनिएगा. राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हु गेव दिस थ्योरी. सबसे ज़्यादा मैं एम्फोसिस डालती हूँ कि यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर द नेम ऑफ द साइकोलॉजिस्ट एंड द ईयर इन विच सम थ्योरी वॉज गिवन. राइट, तो ये जो थ्योरी थी प्लान्ड बिहेवियर की, इट वॉज गिवन बाय दिस पर्सन एजेन इन द ईयर ऑफ 1989. प्लीज़ रिमेंबर दीज टू थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, अब इन्होंने क्या बोला था इसके अंदर. What he did was, he developed to account for the processes by which people consciously decide to engage in specific actions. ठीक है, so theory of planned behavior के under Adzen ने ये processes basically develop किए थे जिसके according जो लोग हैं वो सोच समझ कर कोई काम करते हैं या सोच समझ के अपना attitude जो है वो change कर लेते हैं. right? सो दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन कि कॉन्शियसली. कॉन्शियसली का मतलब ये होता है दैट पीपल आर अवेयर अबाउट वॉट एक्शन दे आर एंगेजिंग इन, या क्या चीज़ वो कर रहे हैं और क्या चीज़ वो नहीं कर रहे. राइट, सो इट स्टेट्स दैट बिहेवियोरल इंटेंशंस विल बी डिटरमाइनिंग आर बिहेवियर. तो थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर है, इट इज़ ऑल अबाउट बिहेवियर. ठीक है, ये थ्योरी कहती है कि हमारे जो बिहेवियोरल इंटेंशंस होते हैं, व्हाट आर द बिहेवियोरल इंटेंशंस. बिहेवियोरल इंटेंशंस बेसिकली वो इंटेंशंस होते हैं जो हमने सेकेंड बुलेट पॉइंट में देखे. राइट, सी हियर सेकेंड बुलेट पॉइंट कि वो एक्शंस जो हम कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं करने का. ठीक है, सर्टेन एक्शंस, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ एक्शंस होते हैं जिनको करने का जो डिसीजन होता है वो हम कॉन्शियसली लेते हैं. वी कॉन्शियसली डिसाइड वेदर वी आर गोइंग टू डू दिस थिंग और वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस थिंग. ठीक है, मतलब हम सारी चीज़ें अपनी अवेयरनेस के हिसाब से ही करते हैं, तो उनको हम कहते हैं बिहेवियोरल इंटेंशंस. अब जो मेरा बिहेवियोरल इंटेंशन होगा, दैट इज़ वेदर आई विल एंगेज इन अ स्पेसिफिक एक्शन और नॉट, वो बिहेवियोरल इंटेंशन ही अल्टीमेटली मेरा जो फाइनल बिहेवियर होगा उसको डिटरमाइन करेगा. तो ये था थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर में, जिसके अंडर एडजिन ने ये चीज़ कही थी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी मोर अंडर दिस. ठीक है, क्या पढ़ेंगे इस द थ्री फैक्टर्स दैट प्रिडिक्ट बिहेवियोरल इंटेंशन. तो जस्ट सी, यहाँ पे हमने देखा था ना दैट इट इज़ द बिहेवियोरल इंटेंशंस विच आर डिटरमाइनिंग द बिहेवियर. तो बिहेवियोरल इंटेंशंस को कौन डिटरमाइन करता है. ठीक है, तो तीन फैक्टर्स होते हैं दैट एक्चुअली प्रेडिक्ट आर बिहेवियोरल इंटेंशन. दैट मीन्स थ्री फैक्टर्स विच एक्चुअली प्रेडिक्ट वेदर वी विल डू समथिंग और वी विल नॉट डू इट. तो फर्स्ट फैक्टर है आपका ग्रीन बॉक्स में आप देखो एटीट्यूड. द सेकेंड फैक्टर इज सब्जेक्टिव नॉर्म्स एंड द थर्ड वन इज परसीव्ड कंट्रोल. राइट, कौन से तीन फैक्टर्स हैं क्विकली. एटीट्यूड है, सब्जेक्टिव नॉर्म्स है एंड परसीव्ड कंट्रोल है. अब ये जो तीनों फैक्टर्स हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज फैक्टर्स इन डिटेल एंड इट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट एटीट्यूड एज द फैक्टर. जस्ट सी ऑन योर स्क्रीन्स, एटीट्यूड डिटर्मिंड बाई वंस बिलीफ अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ परफॉर्मिंग द बिहेवियर एंड वंस इवेल्यूएशन ऑफ द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ परफॉर्मिंग द बिहेवियर. तो इसका क्या मतलब होता है कि बेसिकली एटीट्यूड जो है वो हमारे एक बिलीफ से बनता है. कैसे, बिलीफ इज़ अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज
as well as the evaluation of those consequences of performing some behavior. अब ये थोड़ा सा complicated line है, so we'll understand this with the help of an example, ठीक है? तो supposingly ये एक person है who wants to hit this ball, ठीक है? ये इसको action करना है, action क्या है? Wants to hit this ball. पर ये इस ball को hit करने से पहले दो चीज़ें सोचेगा. एक तो ये सोचेगा कि इस बॉल को हिट करने का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई मुझे डांट देगा इस बॉल को हिट करने में, या फिर ये बॉल जो है अगर हिट हो गई और बहुत तेज़ हिट हो गई और किसी का कोई शीशा टूट गया या किसी को चोट लग गई, सो विल दैट कॉज सम बैड कॉन्सिक्वेंस, ठीक है? तो सबसे पहले ये इंसान क्या सोचेगा एक्शन करने से पहले, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ परफॉर्मिंग दिस बिहेवियर, कि इफ़ आई हिट दिस बॉल देन वॉट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज दैट आई विल हैव टू फेस. The second thing that this person will think is that he will evaluate the possible consequences. तो पहले तो उसने देख लिया, सोच लिया कि क्या क्या consequences हो सकते हैं, maybe किसी को चोट लग जाए, maybe किसी का शीशा टूट जाए, maybe कुछ ना हो, ठीक है? And many more consequences depending upon the individual, right? अब ये consequences decide करने के बाद वो evaluate करेगा इन सारे consequences को. Evaluation का क्या मतलब होता है? That how likely am I being punished because of that consequence or rewarded because of that consequence. कि अगर मैंने इस बॉल को हिट कर दिया तो मेरे साथ क्या हो सकता है, will somebody punish me, will somebody reward me, या कुछ भी नहीं, right? So हमारा जो attitude होता है वो basically हमारे behavior को influence कर देता है, ठीक है? So this was the first factor that predict our behavioral intention. तो यहाँ पे इस person की जो behavioral intention है वो depend करेगी इसके attitude पे. Attitude कैसे form होगा? When this person will think about the consequence of performing the behavior and will also evaluate those consequences, right? Now we'll move on to the second factor. The second factor is subjective norms. तो ये काफ़ी ज़्यादा simple factor है. We have already studied in our previous videos कि norms क्या होता है. I hope you all remember that. So norms are a set of shared beliefs. ठीक है, जो एक set of shared beliefs होते हैं society के या किसी cultural group के, that are norms. And subjective का क्या मतलब होता है? Subjective means something that is personal to the experiencing person. जो इंसान है उसी के लिए personal है, nobody else knows that. So this is subjective norms का second factor. ठीक है, अब क्या है इसके अंदर? Subjective norms are determined by the perceived expectations of significant others and one's motivation to conform to these expectations. Now what does this mean? One's motivation to conform to these expectations. अब society में there are certain norms, there are rules कि हमें कैसे behave करना है, हमें कैसे conduct करना है अपने आप को society में, right? So every society has its own set of rules. अब जो एक individual person है वो उन रूल्स को कैसे परसीव करता है, वो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को कैसे देखता है, एंड वेदर वो एक इंडिविजुअल पर्सन मोटिवेटेड है कि जैसा भी लोग कहेंगे आई विल डू अकॉर्डिंग टू दैट ओनली, दैट इज़ कि वो कन्फर्म कर देगा दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को, या फिर द अदर पर्सन विल थिंक एंड अप्लाई हिज ओन ब्रेन्स एंड डू वॉट ही और शी एक्चुअली वॉन्ट्स टू डू विदाउट कन्फर्मिंग टू अदर्स एक्सपेक्टेशंस, ठीक है? तो ये होता है सब्जेक्टिव नॉर्म का फैक्टर, कि सब्जेक्टिव नॉर्म जो है वो भी हमारी बिहेवियरल इंटेंशन को अफेक्ट कर सकता है, कि सब्जेक्टिव नॉर्म्स बने हुए हैं, काफ़ी सारे रूल्स हैं सोसाइटी में, अगर कोई इंसान उन सारे रूल्स को कन्फर्म कर देगा, सबकी एक्सपेक्टेशंस पे कन्फर्म कर देगा, वेदर और नॉट दैट पर्सन पर्सनली वॉन्ट्स टू डू दैट थिंग, ठीक है, फिर भी वो हर वो चीज़ करेगा जो सोसाइटी के रूल के अकॉर्डिंग है, तो उसका जो बिहेवियरल इंटेंशन है दैट विल गेट चेंज्ड. बिहेवियरल इंटेंशन चेंज हो जाएगा तो उसका बिहेवियर भी अल्टीमेटली अफेक्टेड होगा. क्यों अफेक्टेड होगा? बिकॉज आफ्टर ऑल जो थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर है वो यही कहती है दैट आर बिहेवियरल इंटेंशंस अफेक्ट आर बिहेवियर, राइट? सो सब्जेक्टिव नॉर्म्स. नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड एंड द लास्ट फैक्टर.
The last factor is of perceived control. A perceived control mein kya aata hai? Perceived control is determined by one's perception of how easy or how difficult it is to perform the behavior. Now, what is the meaning of this thing? How easy or how difficult? This basically means ki hum jab hume koi bhi task karne ko bola jata hai, right? Supposingly, we are told ki jao ye pani ki bottle bhar ke lao. राइट सो उसमें तो हम इतना नहीं सोचते कि ये टास्क ईजी है या डिफ़िकल्ट है बट इफ़ आई एम टोल्ड कि आपको क्या करना है ना 50th फ्लोर तक आपको स्टेयर्स से जाना है सो ऑफकोर्स आई विल थिंक कि यार ये टास्क तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है आई एल नॉट एंगेज इन दिस टास्क क्योंकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ठीक है सो परसीव्ड कंट्रोल बेसिकली यही होता है कि एक इंडिविजुअल पर्सन किसी भी टास्क को कैसे व्यू करता है एज ईजी और एज डिफ़िकल्ट अगर वो किसी टास्क को ईजी व्यू करेगा तो ऑफकोर्स दैट पर्सन विल परफॉर्म दैट बिहेवियर कि यार ईजी सा ही तो है पानी की बॉटल भर के लानी आई डू दैट पर अगर वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल उस टास्क को डिफ़िकल्ट परसीव करेगा फॉर एग्जाम्पल 50th फ्लोर तक स्टेयर्स से चढ़ के जाना है सो मोस्ट प्रोबेबली उस पर्सन का जो बिहेवियरल इंटेंशन है वो नेगेटिव हो जाएगा एंड देयरफॉर जो बिहेवियर है वो पर्सन परफॉर्म नहीं करेगा राइट तो एग्जाम्पल ये भी हो सकता है लाइक यू आर गिवन अ सेट ऑफ थिंग्स रिटन ऑन अ पेपर आपको ये सारी चीज़ें करनी है जो पेपर पे लिखी है बट यू विल इवैल्यूएट दैट आप इवैल्यूएट करोगे कि वो टास्क ईजी है या फिर वो टास्क डिफ़िकल्ट है एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट यू विल आइदर परफॉर्म द बिहेवियर और नॉट परफॉर्म द बिहेवियर ठीक है तो दीज वर द थ्री फैक्टर्स आई होप आप सबको ये तीनों फैक्टर्स क्लियर हैं एटीट्यूड हो गया सब्जेक्टिव नॉर्म्स हो गए एंड परसीव्ड कंट्रोल हो गया राइट नाउ वील मूव ऑन नाउ एटीट्यूड्स एंड नॉर्म्स यहाँ पे सब्जेक्टिव नॉर्म्स की बात कर रहे हैं द फैक्टर दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड ठीक है तो एटीट्यूड्स एंड सब्जेक्टिव नॉर्म्स दे कैन नॉट डिटरमाइन बिहेवियर ऑन देयर ओन तो हमारे जो पहले दो फैक्टर थे जो बिहेवियरल इंटेंशंस को प्रिडिक्ट कर रहे थे विच वर एटीट्यूड्स एंड सब्जेक्टिव नॉर्म्स वो इंडिविजुअली जो है बिहेवियर को डिटरमाइन नहीं कर सकते बट जो आपका थर्ड फैक्टर था यानी कि जो लास्ट फैक्टर था दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड विच वॉज परसीव्ड कंट्रोल इट इज़ द ओनली फैक्टर विच कैन डायरेक्टली फीड इन टू बिहेवियर अब परसीव्ड कंट्रोल का फैक्टर डायरेक्टली हमारे बिहेवियर को कैसे चेंज कर सकता है वो ऐसे चेंज कर सकता है दैट इफ़ यू गेट टू नो अबाउट हाउ ईजी अ टास्क इज और हाउ डिफ़िकल्ट अ टास्क इज तो वो आपके बिहेवियरल इंटेंशन को तो अफेक्ट करेगा ही ना इफ़ यू गेट टू नो कि कोई टास्क तो करने में बहुत आसान है तो आपका बिहेवियरल इंटेंशन मोस्ट लाइकली विल बी कि ठीक है कर लेते हैं आसान ही है आई डू दैट एंड क्योंकि बिहेवियरल इंटेंशन बिहेवियर को भी अफेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर गिवन बाय एजसन कौन से ईयर में 1989 में तो क्योंकि हमारा बिहेवियरल इंटेंशन हमारे बिहेवियर को भी अफेक्ट करेगा तो देयरफॉर मोस्ट लाइकली वी विल परफॉर्म द बिहेवियर एज वेल ठीक है तो परसीव्ड कंट्रोल इज़ द ओनली फैक्टर विच कैन डायरेक्टली फीड इनटू बिहेवियर वो डायरेक्टली हमारे बिहेवियर को चेंज कर सकता है बिकॉज नोइंग हाउ ईजी और हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर यू टू परफॉर्म अ टास्क विल फॉर श्योर अफेक्ट योर इंटेंशन टू परफॉर्म दैट टास्क एंड देयरफॉर वुड अफेक्ट द बिहेवियर एज वेल तो एटीट्यूड्स एंड नॉर्म्स जो फर्स्ट टू फैक्टर्स थे दे कैन नॉट इंडिविजुअली चेंज आ बिहेवियर पर परसीव्ड कंट्रोल जो है वो इंडिविजुअली हमारे बिहेवियर को चेंज कर सकता है अब इसी चीज़ को आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एज वेल ठीक है सो सी ऐसा हो सकता है दैट वी हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है दैट आई वॉन्ट टू स्टॉप स्मोकिंग तो ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है एटीट्यूड हमारा फर्स्ट फैक्टर था बिहेवियरल इंटेंशन को प्रेडिक्ट करने वाला आई होप यू रिमेंबर दोज फैक्टर्स जस्ट नाउ वी डिस्कस्ड राइट सो पॉजिटिव एटीट्यूड है दैट इज़ आई वॉन्ट टू स्टॉप स्मोकिंग और जो मेरा सब्जेक्टिव नॉर्म है वो भी पॉजिटिव है क्या है कि माई फैमिली ऑल्सो वॉन्ट्स मी टू स्टॉप स्मोकिंग ठीक है मेरा फैमिली पूरा का पूरा फैमिली भी यही चाहती है दैट आई स्टॉप स्मोकिंग तो एटीट्यूड भी पॉजिटिव है सब्जेक्टिव नॉर्म भी पॉजिटिव है पर जो मेरा परसीव्ड कंट्रोल है जो कि हाउ आई व्यू द टास्क ऑफ नॉट स्मोकिंग और क्विटिंग स्मोकिंग वो लो है
वाई इज़ इट लो, बिकॉज आई थिंक कि मैं तो ऑलरेडी एडिक्टेड हूँ, आई एम एडिक्टेड एंड आई डोंट नो वेदर आई कैन स्टॉप और नॉट. तो ये टास्क जो है इट इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर मी, सो देयरफॉर द परसीव्ड कंट्रोल बिकम्स लो. तो एटीट्यूड भी पॉजिटिव था, सब्जेक्टिव नॉर्म भी पॉजिटिव था, पर जो मेरा परसीव्ड कंट्रोल है वो लो हो गया. ठीक है, सो देर आर हाई चांसेस कि मैं जो है नहीं इंगेज करूँगी इस बिहेवियर में एंड आई विल नॉट स्टॉप स्मोकिंग. सो जस्ट सी दिस पैरा, इवन इफ देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंटेंशन. ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन कैसे थी कि पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव सब्जेक्टिव नॉर्म है. अल्टीमेटली द बिहेवियर मे नॉट बी कैरीड आउट बिकॉज वेन द पर्सन ट्राइज टू एंगेज इन द बिहेवियर. कौन से बिहेवियर में? कि स्मोकिंग स्टॉप करने के बिहेवियर में. जब वो पर्सन ट्राई भी करता है कि चलो लेट मी एटलीस्ट गिव अ ट्राई एंड स्टॉप स्मोकिंग, सो दोज पीपल मे फाइंड इट डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द लो परसीव्ड कंट्रोल. अब परसीव्ड कंट्रोल लो था बिकॉज द पर्सन थॉट दैट आई एम ऑलरेडी एडिक्टेड. तो उसको विदड्रॉल इफेक्ट्स जो कहते हैं हम, विड्रॉल सिम्टम्स उसको सफ़र करने पड़ेंगे एंड दिस लो परसीव्ड कंट्रोल विल डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द बिहेवियर. और कैसे इन्फ्लुएंस करेगा बिहेवियर को? दैट द पर्सन विल नॉट बी एबल टू स्टॉप स्मोकिंग. ठीक है, सो दिस वॉज एन एग्जाम्पल जो ये दिखा रहा था दैट एटीट्यूड्स एंड नॉर्म्स दे इंडिविजुअली कैन नॉट डिटरमाइन बिहेवियर ऑन देयर ओन, बट जो आपका परसीव्ड कंट्रोल है वो डायरेक्टली बिहेवियर को चेंज भी कर सकते हैं और अनचेंज भी कर सकते हैं. राइट, नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज अ स्टडी. ठीक है, थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर को ही प्रूव करने के लिए एक स्टडी की गई थी. नाउ दिस स्टडी वॉज कैरीड आउट बाई टेरी हॉग एंड वाइट, थ्री पीपल. Who were these three people? Terry, Hogg and White in the year of 1999. Please remember this. ठीक है, so what was the aim of this study? Aim था to understand how group norms rather than subjective norms predict behavioral intention. तो हमने एक फैक्टर किया था, यू ऑल मस्ट बी रिमेम्बरिंग, जस्ट नाउ वी कवर्ड दैट, दैट वाज अबाउट सब्जेक्टिव नॉर्म्स. पर ये जो इस स्टडी का एम था वो ये देखना चाहता था कि ग्रुप नॉर्म्स जो हैं कैसे अफेक्ट करेंगे बिहेवियरल इंटेंशंस को. ग्रुप नॉर्म्स क्या होते हैं? कि एक पर्टिकुलर ग्रुप का क्या रूल है. ठीक है, सपोजिंगली मेरे फाइव फ्रेंड्स के ग्रुप हैं और वो फाइव फ्रेंड्स का ग्रुप का एक रूल है दैट वी ऑल शुड मीट एवरी डे एट 9 AM. मे बी दिस इज़ द रूल. और अनदर रूल इज़ कि एटलीस्ट वंस इन अ वीक वील गो आउट फॉर शॉपिंग. ठीक है, सो ग्रुप नॉर्म्स होते हैं, अ नॉर्म दैट इज़ फॉलोड, अ रूल दैट इज़ फॉलोड इन अ ग्रुप. सो इस स्टडी का जो टेरी हॉग एंड वाइट ने की थी 1999 में, यही एम था दैट ये जो ग्रुप नॉर्म्स हैं वो कैसे प्रिडिक्ट करते हैं बिहेवियरल इंटेंशंस को. ठीक है, सो दिस इज ग्रुप नॉर्म अगेन, अ सेट ऑफ शेयर्ड बिलीव्स अबाउट हाउ द ग्रुप मेंबर्स शुड थिंक एंड बिहेव. अब इसमें क्या था, देयर वर 143 पार्टिसिपेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर दिस. ठीक है, कितने थे 143 पार्टिसिपेंट्स? वॉट वर दे आस्क टू डू? दे वर आस्क टू रिपोर्ट हाउ मेनी ऑफ देयर पीयर्स दे थॉट वुड एंगेज इन हाउस होल्ड रिसाइकलिंग एंड विल दे देमसेल्व्स वुड ऑल्सो एंगेज इन इट और नॉट. सो इन 143 पार्टिसिपेंट्स को बोला गया था कि क्या करना है आप लोगों को अपने अपने फ्रेंड्स से या पीयर्स से. ठीक है, दिस मीन्स द सेम थिंग, अपने फ्रेंड्स से यू हैव टू आस्क कि कितने लोग हाउस होल्ड रिसाइकलिंग में एंगेज करेंगे. ठीक है, अपने घर पे ही रिसाइकलिंग करेंगे. एंड आफ्टर आस्किंग योर फ्रेंड्स यू योरसेल्फ हैव टू ऑल्सो टेल कि आप खुद भी हाउस होल्ड रिसाइकलिंग में एंगेज करोगे या नहीं करोगे. ठीक है, तो उनको दो चीज़ें करनी थी कि पहले तो अपने दोस्तों से फ़ोन करके पूछना था कि विल दे एंगेज इन हाउस होल्ड रिसाइकलिंग, वो घर पे रिसाइकलिंग करेंगे या नहीं. और दूसरी चीज़ थी कि फ़ोन करने के आफ्टरवर्ड्स दे वुड हैव टू टेल कि वो खुद हाउस होल्ड रिसाइकलिंग करेंगे या नहीं करेंगे. नाउ द रिजल्ट्स वर फैसिनेटिंग. क्या थे? कि द पार्टिसिपेंट्स हु स्ट्रॉन्गली आइडेंटिफाइड विद द पीयर ग्रुप had stronger behavioral intentions and got influenced to recycle if their peers also did. ठीक है, तो जो participants थे जो अपने peer group के साथ काफ़ी ज़्यादा you know influenced थे और काफ़ी ज़्यादा identify करते थे अपने आप को peer group के साथ, like they used to identify themselves with their peer group, अपनी individual identity छोड़ के they were having that group identity. ठीक है,
देन दे वर नॉट जस्ट इंडिविजुअल्स बट दे वर एक्चुअली द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप के पार्ट हो गए थे. सो दोज हु वर वेरी स्ट्रांगली आइडेंटिफाइंग विद द पीयर ग्रुप, उनका जो बिहेवियरल इंटेंशन था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था. क्यों? क्योंकि वो अपने जो फ्रेंड्स करेंगे दे वॉन्टेड टू डू दैट थिंग ओनली, एंड देयरफोर दे गॉट इन्फ्लुएंस टू रिसाइकल. तो उनके दोस्तों ने अगर बोल दिया कि हम तो रिसाइकलिंग करेंगे घर पर, तो दे ऑल्सो सेट दैट ओके वील ऑल्सो रिसाइकल एट होम, दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग टू डू. क्योंकि वो उनके बिहेवियरल इंटेंशन स्ट्रांग हो गए. बिहेवियरल इंटेंशन क्यों स्ट्रांग हुए? बिकॉज दे वर स्ट्रांगली आइडेंटिफाइंग विद देयर पीयर ग्रुप. एंड द सेकेंड ग्रुप, while those who did not strongly identify with their peers, they did not get influenced by the perceived strength of group norms. तो जो participants थे who were strongly identifying themselves with their peer group, ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि maximum लोग तो household recycling कर रहे हैं, so we will also do household recycling. So they sort of confirmed, उन्होंने confirm कर दिया pressure में that majority यही कर रही है, we will also do that, और also ये तो मेरा friends का group है, this is my peer group, so I'll do what they will do. ठीक है, पर दोज पार्टिसिपेंट्स हु डिड नॉट स्ट्रांगली आइडेंटिफाई विद देयर पीयर्स, जिनके लिए इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी मैटर करती थी, दे डिड नॉट कन्फर्म टू दैट थिंग, वो जो है इन्फ्लुएंस नहीं हुए. इवन दो ऑल द मेंबर्स ऑफ द पीयर ग्रुप सेड दैट वील एंगेज इन हाउस होल्ड रिसाइकलिंग, देन ऑल्सो दे सेड वॉट एवर दे वॉन्टेड टू डू, वो इन्फ्लुएंस नहीं हुए परसीव्ड स्ट्रेंथ ऑफ ग्रुप नॉर्म से. सो दिस वॉज द स्टडी, आई होप दिस इज क्लियर. किसने की थी ये? टेरी हॉग एंड वाइट ने स्टडी की थी टू चेक कि ग्रुप नॉर्म्स कैसे हमारे बिहेवियरल इंटेंशंस को प्रेडिक्ट करते हैं. एंड इट इज़ वेरी क्लियर कि कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, कि जो लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली आइडेंटिफाई करते हैं अपने पीयर्स के साथ, वो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे ग्रुप नॉर्म से. एंड जो लोग स्ट्रांगली आइडेंटिफाई नहीं करते अपने आप को अपने पीयर्स के साथ, एंड दे हैव एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ देयर ओन, वो लोग इन्फ्लुएंस नहीं होंगे परसीव्ड स्ट्रेंथ ऑफ ग्रुप नॉर्म से. राइट, नाउ कमिंग टू द एंड ऑफ दिस थ्योरी, थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर जो दी थी एजसन ने 1989 में. देर इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी एज वेल. ठीक है, हमने काफ़ी सारी चीज़ें इस थ्योरी के बारे में डिस्कस की, बट इस थ्योरी की एक क्रिटिसिज्म भी है, दैट इज़ इट डज नॉट टेक इन टू अकाउंट द अनइंटेंशनल स्पॉन्टेनियस और हैबिचुअल बिहेवियर्स. तो ये जो थ्योरी है इसका बेसिक मोटिव यही है कि वही सारे बिहेवियर्स को कवर कर रही है जिसमें काफ़ी ज़्यादा थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व है. ठीक है, थॉट प्रोसेस उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है. वी हैव टू थिंक बिफोर वी से दैट वेदर आई परफॉर्म दिस एक्शन और नॉट. जैसा कि हमने एटीट्यूड वाले फैक्टर में देखा था कि वो इंसान बॉल को हिट करने के एक्शन से पहले विल इवेल्यूएट कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, फिर उन कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में सोचेगा, एंड देन कहीं जाके वो पर्सन उस बॉल को हिट करने का एक्शन परफॉर्म करेगा. बट देर आर सम बिहेवियर्स जो कि अनइंटेंशनल होते हैं. वी आर नॉट इंटेंशनली बिहेविंग लाइक दैट वे, या फिर स्पॉन्टेनियस बिहेवियर्स भी होते हैं कि तुरंत ही आपने कोई बिहेवियर किया. या देर आर ऑल्सो सम बिहेवियर्स विच आर हैबिचुअल, कि हमें आदत होती है वैसे बिहेव करने की. तो ये जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर, ये उन बिहेवियर्स को एक्सप्लेन नहीं करती. थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर इज जस्ट एक्सप्लेनिंग दोज बिहेवियर्स जिसमें बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व है. पर जो हैबिचुअल बिहेवियर्स हैं जिसमें हम कॉग्निटिव माइजर्स बन जाते हैं, वो इन्वॉल्व नहीं करती. आई होप यू नो वॉट इज कॉग्निटिव माइजर्स. कॉग्निटिव माइजर मतलब यही होता है दैट वी ह्यूमंस डू नॉट लाइक टू यूज़ आर कॉग्निटिव प्रोसेसेस मच. हम ज़्यादा यू नो थिंकिंग प्रोसेस और इस सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते. वी ऑलवेज वॉन्ट शॉर्टकट मेथड्स. दैट इज़ वाई हमारे कुछ बिहेवियर्स हैबिचुअल होते हैं कि हमें ज़्यादा थॉट उसमें डालनी नहीं है. वी हैव टू डू, सो वील डू विदाउट थिंकिंग मच. तो ये थ्योरी इन सारे बिहेवियर्स को टेक इन टू अकाउंट नहीं करती. सो थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग द वीडियो.
And do like the video if you gain some information from it. Share it with your friends as well who might be studying psychology. And do subscribe the channel, guys, if you want more of such videos. And also, one humble request, that is, do share your comments in the comment section below regarding how you like the video, what else you want, or if any doubt you have, you can please text in the comment section below. And the next video is going to be on the topic of attitude change. Make sure that you check out that video as well and other videos on psychology. So thank you everyone. See you in the next video. Till then, take care and bye-bye.